नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। भारत ने रचा इतिहास, इसरो ने एक साथ छोड़े 104 उपग्रह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बुधवार सुबह एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर इतिहास रच दिया। पीएसएलवी C-37 का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले प्रक्षेपण पटल से बुधवार सुबह 9:28 किया गया। करीब 17 मिनट बाद रिमोट सेंसिंग कार्टोसोल 2 को कक्षा में स्थापित कर दिया गया। पीएम मोदी ने इसरो को बधाई दी है। मिशन में मुख्य उपग्रह 714 किलोग्राम वजन वाला कार्टोसेट 2 उपग्रह है, जो इसी सीरीज के पहले प्रक्षेपित अन्य उपग्रहों के समान है। इसके अलावा इसरो के 2 तथा 101 विदेशी अति सूक्ष्म उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया गया, जिनका कुल वजन 664 किलोग्राम है। विदेशी उपग्रहों में 96 अमेरिका के साथ इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के एक एक उपग्रह शामिल है। अब तक रूस के पास एक साथ सबसे अधिक उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड है। उसने 37 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित कर यह मुकाम हासिल किया था। इस प्रक्षेपण के साथ ही इसरो ने एक साथ उपग्रह छोड़ने के मामले में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को भी पीछे छोड़ दिया। नासा ने 2013 में 29 उपग्रह एक साथ छोड़े थे। इससे पहले भी इसरो जून 2015 में एक साथ 23 उपग्रह प्रक्षेपित कर अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की नैनो सैटेलाइट का प्रक्षेपण इसरो की व्यावसायिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। कार्टोसेट 2 सीरीज के मिशन का समय 5 साल का है। पीएसएलवी C-37 कार्टोसेट 2 सीरीज के उपग्रह मिशन के प्रक्षेपण के लिए 8 घंटे की उल्टी गिनती मंगलवार सुबह करीब 5:30 शुरू हुई थी। इसे ठीक पहले मिशन रेडीनेस रिव्यू कमेटी एंड लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड ने प्रक्षेपण की मंजूरी दी थी। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पर्रिकर ने कहा कि अमेरिकी फर्स्ट और मेक इन इंडिया नारों के बीच फंसी कंपनियों की परवाह नहीं। जीवन रक्षक कोरोनरी स्टंट्स 85% तक सस्ते। शरद पवार बोले, महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव संभव। भिवंडी में कांग्रेस नेता मनोज म्हात्रे की गोली मारकर हत्या। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई की मलेशिया में हत्या।